अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हम HTML में काम कर रहे हैं अपने वेबसाइट क्रिएशन का, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा पसंद आ रहा होगा लेक्चर। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं भी अब HTML में काम कर रहा हूँ, और HTML के बाद हम लोगों ने फिर CSS में काम करना है वेबसाइट क्रिएशन का। तो लास्ट हमने ये वाला काम किया था यहाँ तक कि ये हम ये इमेज को कैसे लगा सकते हैं और उसके साथ ये पैराग्राफ कैसे दे सकते हैं। आज हमने यहाँ पे इमेजेस को यहाँ पे इंटर करना है, ये वाला जो हमारे पास एरिया मौजूद है पिक्चर का। तो मैं अपने ओपन कर लेता हूँ सबलाइन को। हम सबलाइन टेक्स्ट 3 के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे तो ये डेट के अंदर भी काम कर सकते हैं हम, ठीक है, और नोटपैड के अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसमें काम कर रहे हैं HTML के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट मेरे पास बैनर ओपन है पहले से ही, तो बैनर ओपन है तो क्या करते हैं इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं काम को, फिर सीखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये हम ये वाले TD के अंदर ये जो पिक्चर का हमने दिया है ना, यहाँ पे हम लोगों ने काम करना है। तो यहाँ पे काम करने के लिए हमारे पास ये पिक्चर का टैग मौजूद है, तो इसमें हम लोग पिक्चर को ऐड करेंगे। 3-4 पिक्चर्स हमने इसके अंदर ऐड करनी है मतवातर, तो वो देखते हैं पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ना एक टेबल बना लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। हम बनाते हैं टेबल और बनाते हैं TR, बनाते हैं TD सिंपल। इसकी जो विड्थ है वो विड्थ हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 200 है, तो मैं थोड़ी सी से कम कर लेता हूँ, इसकी विड्थ 198 तक कर लेता हूँ। और इसका बॉर्डर हमें देना होता है, 1 का बॉर्डर दे देते हैं, फिर बॉर्डर कलर कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये सेव कर लेते हैं। वापस वेबसाइट में आते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं बॉर्डर हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया। तो स्टूडेंट का बॉर्डर तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा बॉर्डर ने जगह ले ली है 7 वाले कंपोनेंट की, हम 195 ही करेंगे। ये वाला हमारे पास बॉर्डर है, तो इसका एलिजन हमने कंट्रोल करना होता है। मैं इसका एलिजन लगाता हूँ और बोलता हूँ कि सेंटर के अंदर इसका एलिजन चले जाए, तो ये सेंटर में चला गया। अब ये हमारे पास टेबल तो मौजूद है, ये हमारे पास TR है और ये हमारे पास TD है। अब यहाँ पे ठीक है, हम लोगों ने इनके अंदर एक पिक्चर को इंटर करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये TR को देखे यहाँ तक। सबसे पहले ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, इमेज 1, ठीक है, यहाँ से लेके TR को TR से तक कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। फिर वक्त के लिए हम 5 कर देते हैं, देखते हैं अगर जगह बची तो हम ले। ये हमारे पास 5 आ चुकी है। अब हम लोगों ने करना क्या होता है, इनके अंदर इनकी हाइट को मेंटेन करना होता है। वैसे बेसिकली हमारे पास हाइट है कितनी, ये जाके हम यहाँ पे चेक करके हमारे पास टोटल कितनी हाइट है जो हमने इसकी कंटेंट वाले एरिया की सारी की रखी थी। तो स्टूडेंट ये हमारा स्लाइडर का एरिया, स्लाइडर की जितनी ये है, ये हमने 700 तक इसकी हाइट रखी थी। और ये मैंने अब यहाँ पे पिक्चर कितनी इंटर कर ली, 1, 2, 3, 4, 5। और ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसको फिर देखते हैं कि 700 / 5 पे करते हैं 140 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पे ना इसकी हाइट को सबसे पहले मेंटेन करते हैं 135 करते हैं फुल, ठीक है, इसको फिर ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने इसकी हाइट को हमने करना है 135 तक। फिर आके हमने इस वाले इमेज के अंदर हमने इसकी हाइट को करना है 135। इस तरह सबकी हाइट को हमने मेंटेन की, 6 है हम लोगों ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में किया था, सॉरी मिस्टेक, मुझे याद नहीं है, 716 आएगा। देखा यहाँ पे 115 रख लेते हैं, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि हम लोगों ने 6 पिक्चर पुट किए ना कि 5, तो बहुत गलती हो जाती है आपको वेबसाइट क्रिएट करते वक्त। तो कोई मसला नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपको हर चीज़ समझने में आसानी होगी, ठीक है। 150
अब हम आते हैं वेबसाइट की जाने, और यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये स्टूडेंट इसने ज़्यादा जगह थोड़ी सी ले ली है, ठीक है 1:12 कर लेते हैं, ठीक है समय, ताकि क्योंकि हर किसी के बॉर्डर ने भी थोड़ी सी जगह लेनी होती है ना, हमने बॉर्डर भी तो सबके साथ इस्तेमाल किया है, अगर बॉर्डर इस्तेमाल ना करते तो फिर वो ये जगह ना ले पाते, अभी भी ज़्यादा 1:10 तक ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एक बार आप काम करोगे ना फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इनकी विड्थ हाइट को कंट्रोल करना है। लेंगे 1:10 तक हम लोग ले आए, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास ये वाली आ चुकी है इमेज 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनके अंदर पिक्चर को इंटर करना है। तो स्टूडेंट आपको पता है इसकी हाइट हम लोगों ने कितनी है, 195 रखी हुई है, यहाँ पे 200 है, तो इसकी हाइट विड्थ भी रख लेते हैं पहले सबसे जरूरी है, यहाँ पे हम इनकी विड्थ को भी कंट्रोल कर लेते हैं और विड्थ की रख लेते हैं 190 तक। ठीक है यहाँ से लेके इसको यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, इसी तरह ये इसमें आके पेस्ट करते हैं। तो सबके अंदर हम लोगों ने आके इसको पेस्ट करना होता है, ये भी हमने विथ को कर लिया पेस्ट और यहाँ भी हमने विथ को पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश करते हैं, नहीं जी इसकी विथ भी हमारे पर कंट्रोल हो चुकी है, ठीक है और इनका थोड़ा सा बीजी कलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से लेके आता हूँ कलर को कोई अच्छा जो मेरे मुझे सूटेबल लगे, ठीक है तो रेड में तो नहीं लेके आते, चले ये वाला कलर ले जाते हैं, मैं कहता हूँ उसका बीजी कलर मैंने करना है ये वाला, ठीक है और सेम लाइक इसमें आऊँगा, इसमें बीजी कलर बोलूँगा मुझे बीजी कलर चाहिए तो चाहिए, ठीक है कलर तो हमें सब में चाहिए होता है, यहाँ से कलर उठाएंगे इसमें पेस्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे, मैं चाहूँगा मुझे बीजी कलर इसका चेंज करना, तो सबके अंदर हम लोगों ने कलर चेंज कर लेने, कल को इंशाल्लाह हम इसके अंदर फिर पिक्चर को पुट करना सीखेंगे। बीजी कलर का फ़ायदा ये होगा जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं ना, हर चीज़ में आप लोगों की जो वेबसाइट है ना वो थोड़ी सी मनफरी सी दिलचस्प सी लगना स्टार्ट हो जाती है हर किसी के नज़रों में, ठीक है इसलिए आप बैकग्राउंड कलर लाजमी दें। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट बनाने के तरीके को, इसलिए ये बार बार आपको यहाँ से सीखना चाहिए कि कैसे हम लोग इसमें कलर कर सकते हैं, ठीक है जी कलर, और ये मैंने इनके अंदर कलर कर दिए हैं सब। अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट की जाने और देखते हैं कि इसमें क्या तब्दीली हुई, अभी ये हमारे पास कलर आ चुके हैं स्टूडेंट, ये देखिए हमने इनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिए हैं, और टेबल के अंदर जाके भी हम क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है तो इसका कोई कलर यहाँ से ले लेते हैं जो हमने चेंज करना है, पहले तो हमारे पास येलो कलर मौजूद है लेकिन ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है आप अभी से कलर को इस्तेमाल करना सीखेंगे तो HTML CSS जब हम वर्क करेंगे तो उसमें आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो ये नहीं, ये स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ तक बना लिए अपने, तो इनके एलिजन नहीं अभी कंट्रोल किए, अभी सारी चीज़ें एलिजन वगैरह सारे कंट्रोल कर लेते हैं नेक्स्ट, ताकि कल को हम लोग काम करें तो क्या हो हमारा सिर्फ और सिर्फ पिक्चर इंटर करने की देर हो। इसको भी एलिजन सेंटर दे दिया, इसका भी एलिजन हम लोगों ने सेंटर दे दिया, इसी तरह आके हम इनका एलिजन क्या करेंगे सेंटर देंगे, सबका एलिजन जो होगा हम क्या करेंगे सेंटर में फिक्स कर देंगे, ताकि पिक्चर जो भी हो पहले से ही एडजस्ट हो जाए हमारे सेंटर के अंदर। ये हमारा एलिजन सेंटर में आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, कल को ये तो पिक्चर इंटर करेंगे या यहाँ पे कंटेंट एरिया क्रिएट करेंगे, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग हो तो मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।